हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गणपति पूजा जो हमने घर पे किया था। जिस तरह से हमने घर पे किया वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमारे गणपति जी आ चुके थे, इन्हें हमने चेयर पे इस तरह से रखा है। इसके बाद जो स्थान होगा उसे शुद्ध करके हम वहाँ पे रखेंगे इन्हें। तो जिस तरह से हमने घर पे पूजा किया है वही आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। हमें जिस तरह से आता था उस तरह से हमने किया है। और मैंने छोटी क्लिप जो ली थी वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सारा काम खुद करना होता है, वीडियो शूट खुद करना होता है, तो सारी चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। और पूजा के समय पूजा में ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिल पाता था तो मैं थोड़ा सा क्लिप जो है वो ले लेती थी। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, शायद आपको अच्छा लगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा पूजा रूम है इसे मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था जिस दिन गणपति पूजा था। और यहाँ पे हमने अपने गणपति जी को रख दिया है थोड़ा सा शुद्ध करके। और इस पूजा रूम के पीछे भी एक कहानी है जो जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस पूजा रूम में सबसे पहले हम गणपति जी का पूजा करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है हर शुभ काम को करने से पहले गणपति जी का आह्वान किया जाता है, यानी कि गणपति जी को याद किया जाता है। तो हम इस पूजा रूम में सबसे पहले अपने गणपति जी का पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, जो भी ये भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है जो मैं लेके आई थी, झूमर था या फिर डेकोरेशन के लिए जो भी सामान हम लेके आए थे वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था। उसका वीडियो है चैनल पे, आप चाहे जा के देख सकते हैं। तो हमने गणपति जी को अपने घर में 3 दिन के लिए रखा था। 3 दिन के लिए हमने गणपति जी का पूजा घर पे किया, बहुत अच्छा लगा। आज हमने गणपति जी को विदा कर दिया है। आज के दिन सुबह हमने अच्छे से भोग लगा के विदा कर दिया है गणपति जी को। तो इसके बाद मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ 3 दिन के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डेकोरेशन कुछ इस तरह से किया था। बहुत ज़्यादा हमने डेकोरेट नहीं किया, क्योंकि फिर गणपति जी को भी हम अलग से फूल माला, जो फ्रेश फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, वो सब चढ़ाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया था हमने। तो इस तरह से हमारा कुछ डेकोरेशन दिखता है। तो यहाँ पे बस अब गणपति जी का चेहरा आपको दिखने वाला है। हमने यहाँ पे दिया रख दिया है, दिया स्थापित कर दिया है, कलश स्थापित कर देते हैं पहले हम गणपति जी का इस तरह से। और ये है हमारे गणपति जी, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्ति थी। तो ये हमारे गणपति जी है जो इस तरह से दिखते हैं, छोटे से हमारे गणपति जी। बहुत 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 सुंदर मूर्ति थी, हमें बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद हमारा पूजा जो है वो स्टार्ट हो चुका था। तो ये जो है घर पे जो गणपति जी होते हैं वो हमने यहाँ पे सामने रखा हुआ है, और पीछे ये जो हम लेके आए थे वो गणपति जी हैं। तो इस तरह से पूजा स्टार्ट हो गई है। जितना हमें पूजा करना आता है, जिस तरह से हमें आता है, हम उस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूजा जो है वो स्टार्ट हो चुका है, भोग वोग लग चुका है। थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो होती रहेंगी, देख रहे हैं आप। तो जब आप गणेश जी की प्रतिमा लेने जाओ, मूर्ति लेने जाओ, तो आपको इतनी सुंदर सुंदर, इतनी अच्छी अच्छी मूर्ति दिखती है, लगता है ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। बट वो कहते हैं ना, जिनको आना होगा वही आएंगे। तो हमें ये वाली जो प्रतिमा है, ये वाली मूर्ति है, ये बहुत अच्छी लगी। और भी आप जितना देखते जाओ उतना पसंद आते जाएगा आपको, इतनी सुंदर सुंदर गणेश जी की जो मूर्ति होती है। तो यहाँ पे ये सुबह का टाइम है और हमारा जो पूजा है वो कुछ इस तरह से संपन्न हुआ था। तो जब गणेश जी को हम लेके आते हैं तो उस समय हम ऐसा सोचते हैं कि कितने दिन उनको रखना है। उस समय आप ये लेते हैं कि आपको 2 दिन रखना है, 1.5 दिन रखना है या फिर 3 दिन रखना है। तो इस बार छुट्टियां भी थी इसलिए हमने 3 दिन के लिए रखा। नॉर्मली हम 1 दिन के लिए रखते हैं, 2 दिन के लिए रखते हैं, इस तरह से रखते हैं। तो इस बार हमने 3 दिन के लिए रखा था। तो हमारा पूजा जो कुछ इस तरह से हुआ। और ये सामने से आप मूर्ति देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर मूर्ति थी, बहुत ही सुंदर। आप कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी गणपति जी की ये मूर्ति, हमें तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये सुबह का पूजा हो गया। तो अच्छा, सुबह के समय हम जो लड्डू मिठाई लेके आते थे बाहर से वो हम भोग लगाते थे, बट शाम के समय मैंने सोचा था मैं खुद से बनाया करूँगी, हर शाम में मैं खुद से बना के अपने गणपति जी को भोग लगाऊंगी। तो शाम के वक्त मैं अच्छे से पूजा रूम जो होता था, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो जब हम स्थापित करते हैं तो जो भी चीज़ हम चढ़ाते हैं उसे हम नहीं हटाते हैं वहाँ से,
सिर्फ भोग जो लगता है वो हटता है, बाकी आप माला वाला देखेंगे वैसे ही रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने प्रसाद बनाया था, ये मैंने बेसन का हलवा बनाया था। तो शाम के समय बाकी चीज़ें हटा के साफ़ करके, अच्छे से पूजा रूम को साफ़ करके, वहाँ पे अच्छे से पोछा लगा के, फिर गैस वैस मैं पूरा साफ़ करके सर नहाने जाती थी। नहा के आके उसके बाद फिर से शाम का भोग लगता था, तो भोग बनाती थी, उसके बाद शाम का आरती हम करते थे। तो पहले दिन मैंने बनाया था बेसन का हलवा, जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के मैंने बनाया था। इसके बाद ये नेक्स्ट दिन सुबह की पिक है, वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं हमने पेड़ा जो है वो भोग लगाया था। शाम के वक्त का मैंने नहीं लिया, क्योंकि सब चीज़ मुझे करना होता था, पॉसिबल नहीं हो पाता था। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वीडियो वाले मोड में पूरा लिया भी नहीं हुआ है, तो मैंने लैंडस्केप मोड में नहीं लेके पोर्ट्रेट मोड में लिया हुआ है, तो इसीलिए आपको कुछ इस तरह से वीडियो मिल रही है। तो दूसरे दिन शाम को मैंने सूजी का नहीं, मखाने का खीर बनाया था। मैंने मखाने को अच्छे से भून के उसके बाद दूध में डाल के मखाने का खीर बनाया था, वो भोग लगाया था हमने शाम में। तो वो वाला क्लिप तो नहीं है मेरे पास। यहाँ पे गणेश जी की हम आरती कर रहे हैं, शाम के वक्त भी आरती होती थी, सुबह के वक्त भी आरती होती थी, और बहुत अच्छा लगता था। जब तक गणेश जी थे बहुत अच्छा लगता था, ऐसे घर पे लगता था सच में कोई मेहमान आया हुआ है। एक मैं यहाँ पे गाना है जो हम चला रहे थे, तो वो गाना बहुत अच्छा लगता है, वो गाना मैं यहाँ पे नहीं हटाऊँगी, चाहे कॉपीराइट आए चाहे जो भी आए, वो गाना नहीं हटाऊँगी। अगर आपको वो गाना मिले तो आप ज़रूर सुनिएगा, बहुत अच्छा गाना है। और ये थर्ड डे का भोग है, जिसमें मैंने सूजी का हलवा बनाया था और पूड़ी बनाया था। ये थर्ड डे को शाम में मैंने ये भोग लगाया था अपने गणपति जी को। इसके बाद में थर्ड को बाहर भी गई थी, सामने मतलब हमारे जो कंपाउंड, हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पर मैं गई थी, और ये वहाँ के गणपति हैं, क्योंकि गणपति जी को अकेले नहीं छोड़ते, जब आप लेके आते हैं घर पर किसी ना किसी को होना होता है। तो मैं रोज़ तो नहीं जा पा रही थी, उस दिन मेरे हस्बैंड घर पे थे, इसीलिए मैं बेटी के साथ वहाँ सोसाइटी वाले में गई थी, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती। गणपति जी को छोड़ के आपको नहीं जाना चाहिए, जब आप घर पे लेके आते हैं, जिस तरह से आप एक मेहमान का ध्यान रखते हैं, वैसे ही आपको गणपति जी का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो हमारे घर में मेहमान होते हैं। अच्छे से आपको उनका देखभाल करना होता है, समय समय पर खाना पानी ये देना होता है, अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ना होता है, तो इसीलिए अकेले हम नहीं छोड़ते हैं। और ये है सुबह जब इनकी विदाई हो रही थी, उस वक्त मैंने बेसन और सूजी को मिला के यहाँ पे उनका भोग बनाया था, और साथ में पूड़ी बनाया था। और ये इस तरह से हम पूजा कर रहे थे जिस दिन इनकी विदाई हो रही थी। और यहाँ जो गाना है, आप ये गाना ज़रूर सुनिएगा। तो आपने यहाँ पे गाना सुना, वो गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। और आप देख सकते हैं ये लास्ट दिन, यानी कि लास्ट दिन के बाद जो जब हम विदा करते हैं उस समय की ये वीडियो है। तो यहाँ पे हम कलश थोड़ा सा हिला देते हैं, जो हमने दिया रखा वो हिला देते हैं, और जो छोटे वाले गणपति जी है वो हम हटा देते हैं, और जो ये गणपति जी है इन्हें हम विसर्जित करने के लिए ले जाएंगे, ताकि गणपति जी अगले बरस फिर से आ पाए। तो इस तरह से गणपति जी की विदाई हम कर देते हैं। तो गैस इस तरह से हम गणपति सेलिब्रेट करते हैं। तो गैस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है या पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।